क्या क्या किए टीसी वी टीवी सारा है सारा है जल चला है केमिकल कुछ डाला कुछ नहीं है जिसमें कोई केमिकल नहीं एक साल से वैसे उनको बुलाना एक्टिविटी शुरू हुआ है हाँ हाँ उसके बाद केमिकल कुछ नहीं गुरु जी ये मर रहा था बाघ अच्छा बाघ मर रहा था मर गए थे इसमें 50% दिखाया नहीं था गुरु जी जब अंकल जी ये वाला बाघ है वो इधर दिखाओ इधर ये सर मर रहा था बाघ अच्छा तो तारा जन जी आपके गुरु जी आपके ये अच्छा तो क्या कंडीशन थी बाकी उस समय पे वो दिखाएंगे पौधे दिखा देंगे कुछ पौधे मिल जाएंगे अल्टरनेरिया वाले हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो एक ही साल में न केवल बाग ठीक हुआ फलत भी अच्छी दिख रही है मुझे तो हाँ जी फल फ्रूट भी साइज भी बड़ा है साइज बड़ा है हाँ साइज बड़ा है क्या वेट बात वेट है? भी ज्यादा इसका हाँ वेट तो जबरदस्त है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये आप सरदारपुरा आए एक वो मनोज की ढाणी हमने दो अटेंड किए थे वो आपके कैलेंडर के हिसाब से हम चले हैं न्यूजीलैंड रह के आए 6 साल बड़ा इंटरेस्टेड है बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी अच्छा एमएससी की हो किस टॉपिक पे किस टॉपिक पे अरे ये इनका इनका बेटा है जय हो जय हो इनका बेटा है कैसा लगा बाग आपको बताओ बहुत ही बढ़िया आपकी कृपा से लोग तो मन हंस हाँ। पहले पहले हंस रहे थे सभी जब शुरू किया पर अभी मैंने जिनको सही इनको सबको बताया तो ओके ठीक है अच्छा बाग अच्छा खड़ा है अच्छा बाग आप भी देख आपके भी किन्नू है आपने भी आओ जरा इन्होंने भी कुछ शुरू किया हुआ है वाह ये भी देखो इसकी जो है इसकी वजन देखो जरा क्या जबरदस्त साइज बहुत अच्छा है ये देखो गुच्छे लगे हैं जैसे अंगूर की तरह अंगूर की तरह गुच्छे लगे ये पौधा ना बिल्कुल पत्ते डाउन कर गया था पानी थोड़ा लेट होने की वजह से ठीक है रहने दो नहीं तो यहाँ पे अगर एक बार डाउन हो जाए ना पौधा वो मरता ही है ये बच गया चुका था इसमें ये मर गया था जी मर गया था और इसके बिना किन्नू तोड़े इतना फल होते हुए भी ये बच गया ड्रॉपिंग भी कम है दूसरों को इसमें विशेष ट्रीटमेंट तो नहीं कर दिए थे नहीं 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 वो कुछ नहीं जो बताया ना पंकज वो पूरे जितना ट्रीटमेंट स्प्रे हुई नहीं जी उतनी जितना बताया उतना करना था ना मैं नरमे में उलझ गया इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया 2 महीने मेरी कोई स्प्रे नहीं हो रही है अच्छा फिर भी बड़ो बढ़िया रिजल्ट है ये तो क्या क्या डाले एक बार थोड़ा बताओ जरा लाल मिट्टी 2 किलो 2 पीली प्रति प्लांट हाँ जी 4 क्विंटल जिप्सम है पर एकड़ 4 पर एकड़ और बाकी जमीन पे गोवर्धन खनिज खाद डाली गोवर्धन खनिज खाद डाले हाँ उसके 2 बैग दो बैग वो पूरा साल हो गया उसके बाद नहीं डाले 2 बैग पर एकड़ हाँ जी एक साल में डाला है एक प्लांट को कितना 250 ग्राम 500 ग्राम आएगा 100 प्लांट हो तो 100 प्लांट है तो 500 ग्राम मात्र 120 पौधे है 120 पौधों में 400 ग्राम और स्प्रे हुआ था गोवर्धन का वो अणुजल का होता रहता है गुरु जी उसमें गोवर्धन रहता है जीवाणु जल चलता है लेबर साइंस चलता है गुरु जी अच्छा बताओ जो ये अभी कितने साल का बाग है ये बाग है जी 14 का लग गया 14 साल हो गया 2014 में लगा 8 साल और 8 साल है ये चल ही नहीं रहा था जी तो बाग ये चल नहीं रहा था क्योंकि ग्रोथ तो दिख नहीं रही 8 साल के हिसाब से और चूंकि ये दिख रहा है पाइठोप थोरा लगा था ये देखिए पाइठोप थोरा से ये टहनियां सूखती है ये आपकी टहनी सूख गई थी ये देखो पाइटो थोड़ा दिखाता हूँ मैं ये बीच में जो है ना इसमें तो अभी काफी कुछ ठीक हो गया पर बीच का ये जो है पाइटो थोड़ा लगता है ना तो ये बीच का काला पड़ जाता है ये देखो ये काला दिख रहा है ना थोड़ा तो ये सूखा हुआ है तो पाइटो थोड़ा दरअसल ये अंदर घुस गया तो पूरा सूखता है तो ये बाग सूखने लगा होगा बूटा पीला 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 हो गया था बूटे पीले है सारे के पत्ता का साइज है ना जी ये पत्ता का साइज था बस ये तो बढ़ते ही नहीं पत्ते वाह अभी ये कब तक का जो है तोड़ने लायक हो गया अभी कलर आएगा गुरु कलर आएगा अभी लगेगा ये तो कलर अच्छा अच्छा कई दिन पे कई दिन थोड़ा बिक जाएगा मीठा भी हो गया अच्छा ये खा के देखें अंडे जरूर देख लो ये देखो भैया खा के देखते हैं और बगज नमस्कार और जस करेंगे ठीक है जी ठीक है अभी सुप्रीत जी ने पूरा फॉलो किया है गुरु जी इनका अभी थोड़ा मिठास आना और समय है अभी हाँ थोड़ा तो खटाई तो है ये नवंबर में और वैसे नवंबर में जब ठंड पड़ेगी तभी मीठा होगा मीठा होगा पूरा काम नहीं हुआ जितनी पंकज ने बताया अभी रॉक सॉइल भी नहीं डला हुआ ये देखो जरा गुच्छे में क्या बात है हाँ वाव
ये ऐसी चीज कम मिलती है, चार पाँच छह सात फल है, ऐसी चीज कम मिलती है, ऐसा गुच्छा कम मिलता है। बाकी वाटर लेवल यहाँ सब्जी सिर्फ 4 फुट पानी है, 4 फुट मिट्टी में ना इतने कंकर है, इतनी सख्त होती है ये मिट्टी। अच्छा, मैं मिट्टी डाल के इसको लगाया था और जब उसमें रूट जाने लगी थी बैक होने लग गया था बाद में। अच्छा, आ देखो ये आवाज करती है ना, ये चल रहे बाकी सारी रोड रोड वाली है, रोड भी 3-4 तरह का है। ओ दिखाओ ना, कंक्रीट पूरा है जी, एक तो सीधा रोड है, इसमें रोड है जो कांटे वाला रोड है। ठीक है, इस साल आप जो है ये सब बाग तोड़ने के बाद क्या करना, इसको बेड बना दो जरा पूरा। पहले बेड बना हुआ था, बेड बनाना, बेड और बेड पे क्या करना कि सारा बेड बनाने के बाद जो है उसको बेड पे ऊपर प्रॉपर जो है ना सारा खुराक इस साल और दे दो और प्रॉपर स्प्रे करिए जरा, और जितने ऐसे पत्ते हैं जो जिन पे छांव रहती है सबकी कटिंग कर देना, जो छांव में रहते हैं, और जो सूट निकलते वो तो करोगे ही करोगे, खैर जो छांव में रहते हैं ना उनकी भी कटिंग करना। ये प्रॉपर पता नहीं है, जो बाग वाले लोग हैं ना उनको लगता है ये तो अच्छी पत्तियां हैं, इनमें फल लगता है, पर ये क्या बेरोजगार पत्ते हैं। जिनमें देखो ये अंदर के ये पत्ते हैं ना ऐसे, जिनमें आपको लगता है जैसे ये पूरे समय छांव में रहेगा तो ये हमेशा खाता रहेगा, ये कुछ खाना खाएगा और काम नहीं करेगा। तो हमारे घर का जवान लड़का जो है काम ना करे, केवल खाए पिए, तो वो बेकार है, बेकार है ना। हाँ, तो उसको अपन को इसको भी कट करना है। जो देखो साल भर जितना प्रकाश संश्लेषण करेगा पौधा उतना ज्यादा स्टोर करेगा, और जितना स्टोर करेगा उतना निकालेगा। और फलता किस टहनी में है, जो मदर टहनी होती है, जो मदर ब्रांच होता है ना, जैसे ये देखो अलग से, ये देखो ये मदर ब्रांच आया, इसमें फल लग रहे हैं, इन टहनियों में फल लगता है, जो मदर ब्रांच होते हैं, जो सूट्स होते हैं उनमें नहीं लगना। तो सूट्स को तो निकालना, पर ध्यान रखना सूट्स को कब निकालना, हमेशा अमावस्या के आसपास, क्योंकि पूर्णिमा में सारा फूड पत्ते में रहता है, क्योंकि चंद्रमा खींचता है ना पानी को, तो जब चंद्रमा धरती के पास रहता है तो जड़ सारा जो इसका जो ग्लूकोस है वो कहाँ जाता है, टहनी में, कब, पूर्णिमा में, चंद्रमा पास होने से। और जब अमावस्या होता है उस समय धरती का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो सारा फूड कहाँ चला जाता है, जड़ में। तो हमेशा जुताई जो है पूर्णिमा के आसपास करना, क्योंकि जितना भी जड़ कटेगा प्लांट का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि शरीर जीवनी शक्ति ग्लूकोज कहाँ है, ऊपर है। और कटिंग कब करना, हमेशा अमावस्या में, अमावस्या का नेड़ा है, अंधेरे पक्ष में, क्योंकि उस समय सारा फूड कहाँ है, जड़ में। कितनी कटिंग करो बस इसका ध्यान रखना, छोटी मोटी कटिंग तो कर सकते हो पर हैवी कटिंग हमेशा अमावस्या में करना। ये जुताई हमेशा ये भी उसी कंडीशन में जाके वापिस आए। अच्छा, तो दूसरे जित वो इलाज नहीं है भी, तो मेरा वो बल गया जी बूटा, पौधे मर गए हैं यहां पे, मरा नहीं पंकज ने, मैं जो पंकज बूटा पड़ी हो गया अंकल जी, कुछ नहीं दिख रहा, वास्तव में बूटे बचे, कोई ट्रीटमेंट ऊपर इतना फल भी पड़ा, बस साइज नहीं बना पाए इस वजह से, और पौधा नहीं गया, नहीं उस कंडीशन में कभी पौधा नहीं बचता है हमारे दूसरे खेत में, आज तक किसी ने कोई कंपनी ने नहीं बचाया। अच्छा, यहाँ साइंटिस्ट भी रहते हैं इधर काफी, खैर ये बी ग्रेड में आएगा, पर ये तो बिल्कुल सूखने पे आ गया था ना गुरु जी, ये भी मुक जाए भी दे। चलो, कितना एकड़ का बाग है, 6 एकड़ वैसे सारा के है ना, सारे भाई ये 50 एकड़ के लगभग होगा, 6 पर प्रैक्टिकल किया है। अच्छा, जहाँ ये प्रैक्टिस नहीं हुआ है वहाँ तो अंतर होगा ना अभी, तभी तो मैं आपको दिखाता हूँ गुरु जी, रोड क्रॉस करते ही दूसरा बाग भी इन्हीं का ही है, वो बाग इससे हेल्दी दिखता था 1 साल पहले। अच्छा, और ये उससे बहुत बुरी कंडीशन में दिखता था, ये बीमार लगता था, वो हेल्दी लगता था, अब उसको देखेंगे। अपन लोगों को ऐसे ही जो है जो खराब वाला वही सौंपा जाता है, इसको ठीक करके बताओ। ठीक है, तो आप में से सबका बाग है, सबका है, सेटिस्फाई हो, बिल्कुल सीखना है पद्धति को, सीखना क्या, बचा देगी यही चलेगी, आने वाले टाइम में 24 के बाद यही चलेगी सारी।
रोड क्या बोलते हो? कंक्रीट थी। अच्छा तो अभी कहाँ चला गया? अभी क्या चला गया? ये देखो इस तरह बड़े बड़े। अच्छा इनमें इनमें कांटे होते हैं। ये तो निगेटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अभी ये खत्म हो गया और ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया जी, ये मिट्टी हार्ड थी गुरु, और में नहीं है ये बैक्टीरिया, ये जो है मान लो ये पोला किया इसने इस चीज को। हाँ 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 हार्ड थी ना पहले, बहुत ज्यादा ये बहुत हार्ड मिट्टी थी। तो अभी दिखाई देने बंद हो गई, मतलब मुझे लगता है 90% दिखाई नहीं दे रही। छप्पर वाला ताल सुना सलाह के पास, ये वो उससे भी सकता ताल था ये। अच्छा रास्ता नहीं होता गुरु जी, जमा हुआ चिकनी मिट्टी का उस तरह का था ये। ये देखो जी साइज, इस साल जरा ये जो आया है ना इसको ठीक करा देना पट्टी से। ये क्या है, माइट्स है उसका, माइट्स की वजह से तो वो ठीक करवा देना, थोड़ा लेट देखना। एम प्लस का करवा देना, जब वो जब फूल आए ना उसी समय से करना, स्क्रैच वगैरह ना आए जी। हाँ वो क्या है, माइट्स है। अच्छा, अच्छा। उसने स्क्रैच किया है। अच्छा। तो अभी क्या है उसका तो एम प्लस का स्प्रे हो जाएगा ना, तो वो सब ठीक हो जाएगा। मकड़ी वे बस खुर्च दे। तो जद मंदो हुए जद ही दिखे तो ये फर्स्ट। अच्छा जो पाइठोक थोड़ा कारण मर गया। हाँ जी हाँ जी, ये फर्स्ट। हाँ जी हाँ जी, ये उसकी ये वाटर सूट है। हाँ जी हाँ जी, ये वाटर सूट है, ये भी वाटर सूट है। हाँ जी, ये भी मदर सूट, ये साइड ब्रांच था मदर सूट। हाँ जी, जब दोनों मदर सूट मर गए तो वाटर सूट में फल लगा। अच्छा वाटर सूट। अब ये देखो ये सूट है और फल कितना कम लगा है, एक ठो लगा है, ये दिख रहा है। हाँ जी, ये वाटर सूट है, इसमें एक ठो फल लगा है। और ये जो है ये मदर सूट है, उधर से निकला ना गुच्छे लगे, इसमें तीन लगा है। लगा, समझ रहे हो? हाँ जी समझ। वाटर सूट मदर सूट को समझो। और हमेशा कटिंग कैसे, जैसे ही देखो वो देखो सीधा निकला 90 डिग्री। कटिंग के बारे में बताओ गुरुजी, कटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो इस पे आओ, इस पे ये जो है ये मेन सूट चला रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये पूरा ये मदर सूट है ये। हाँ जी हाँ जी। पर ये पूरा सूट पिछले साल बीमार रहा होगा। हाँ जी हाँ जी, ये सूट बीमार रहा होगा। हाँ जी हाँ जी। इस वजह से इसमें जो मदर है, फूल आने की जगह, जैसे देखो ये फूल आने की जगह नहीं बन पाई। हाँ जी हाँ जी। अब इस साल क्या है, यहाँ सबसे फूल आएगा, इन सबसे फूल आएगा, यहाँ यहाँ से फूल आएगा सबसे, तो अंदर भी फलेगा। दूसरा फलक कम होने का दूसरा कारण क्या होता है, हमारे पौधे ने उसकी पत्ती ने काम ही नहीं किया साल भर। अच्छा, खुराक नहीं दी। खुराक नहीं दी, नहीं काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कारण चाहे जो भी रहा हो, मिट्टी निगेटिव हो, पत्ते में डिफिशियंसी हो, पानी की कमी हो, कुछ भी कारण रहा हो, उससे पौधे ने जब खुराक बनाया नहीं, ग्लूकोज बनाया नहीं, तो अंदर स्टोरेज नहीं होगा। जब स्टोरेज नहीं होगा तो फल ही नहीं आएगा। जितना स्टोर करेगा, आज हमको दिख रहा फल है, ये जो है ना आप फल तोड़ने के दिन से काउंट करो, पूरे समय पत्ते हरे कच्च रहने चाहिए, बिल्कुल डार्क, तब जो है वो उतना प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना। अभी देखो इसमें ये पत्ती आ गई, कितनी डिफिशियंसी है, देखो ये ऐसे देखा करो, धूप में रख के दिख रहा है ये पीलापन जो, अब यहाँ काम ही नहीं हो रहा, इतनी सी जगह में काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमको लग तो रहा है पत्ता इतना बड़ा है, काम ही नहीं कर रहा है, खाना ही नहीं बन रहा है। इसके लिए क्या होगा जी, ये अणुजल डालो, और अभी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मैंने बनवाए हैं। हाँ हाँ। तब जैसे पत्ते में देखो यहीं के अंदर जाके वो सेट हो जाएगी। जैसे हमारे आँख में विटामिन ए नहीं है, तो डॉक्टर ने सीधे जो है आँख में कोई लगाया और विटामिन ए मिल गया, तो हम खाते पचाते फिर यहाँ आता, वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो वैसे हमने नैनो टेक्नोलॉजी में किया, इंस्टेंट कम हो जाएगा, मतलब ये डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। और प्राकृतिक तौर से करना है तो ये जो हमने मिट्टी डाला, हाँ इसमें जीवाणु डाले, हाँ जी, ठीक है, हाँ इसमें अणुजल बना के डाले, स्प्रे भी किए, तो फिर दूर होगा। तो आप ये अणुजल जीवाणु जल तो चलने दो, लाल सफेद मिट्टी चलने दो, हाँ जब भी डिफिशियंसी दिखे जिंक की, कॉपर की, मैगनीज की, तो हमारे पास बना बुनाए हैं जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण वो 40-50 गुना प्रोडक्शन लेता, सेम वही टेक्नोलॉजी अपने इसमें आ गई। कल परसों मैंने लिस्टेड कर दिया, हमने अभी चांदी का भी बनाया, 1 किलो चांदी से 100 लीटर नैनो टेक्नोलॉजी का बनाया प्रोडक्ट, उसका स्प्रे करो, दुनिया का कोई फंगस हो, चाहे अंदर हो प्लांट के, चाहे बाहर हो, चाहे पाइटोप्थोरा क्यों ना हो, वो चांदी क्या सबसे अच्छा फंगीसाइड है चांदी, इसलिए महिलाएं पहले हाथ में पैर में पहनती थी। और ना केवल फंगीसाइड है, बैक्टीरिया साइड है, प्रोटोजोआ साइड है, और वायरस का भी हमला नहीं होता चांदी से, तो उसका आप स्प्रे करोगे कभी भी, ठीक है। और मकड़ी दिख रही है,
फंगस तो नैनो सिल्वर से मर जाएगा, फंगीसाइड नहीं डालना, ना केमिकल जैविक डालना ही नहीं। चांदी क्या है, पौधों के लिए फर्टिलाइजर भी है, तो हमने फंगस तो खत्म ही किया, फर्टिलाइजर भी दे दिया। आप जैसे स्प्रे करोगे ना, ये पीलापन जाना शुरू हो जाएगा, ओनली चांदी से। पर चांदी के साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये भी दे दोगे तो ये कंप्लीट हरा कच्चा और बढ़िया कड़क हो जाएगा, ऐसा इतना कड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब रहेगी बात मकड़ी की, तो मकड़ी के लिए जो है वो रामबाण वगैरह मिला देना इसमें, ठीक है ना। अभी भी मकड़ी अभी भी है और कुछ रश्चोसा कीट है, तो अभी भी रामबाण मिला देना तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या करो, प्रॉपर जैसी फल लेते हो वैसी जो है अमावस्या में कटाई करवाओ, सबसे पहले सारे अंदर जो वाटर सूट है और नीचे नीचे, और फिर क्या करो जुताई करो, और जुताई करके इस मिट्टी को क्या करना, ये अच्छी मिट्टी है ना, इसको बेड बनाना है। अब सिंपल मत रखना खेत को, ऐसे में पूरा पानी बहता है, बेड रहेगा तो फ्लडेड पानी नहीं लगना चाहिए, हाँ बेड रहेगा तो नहीं बहेगा नीचे से, तो ये अच्छी मिट्टी पूरी बेड में चले गई। और चाहे तो ऐसा करो या ऐसा, जैसे भी एक बेड बनाना, और जो भी आपकी पत्ती वत्ती सब गिरती है इसको बाहर मत फेंकना, सब बेड में रखना। हम तो साफ कर देते हैं अभी बूटे के नीचे, बढ़िया साफ। हाँ। ये काट करके और उसके ऊपर करा के और थोड़ा ये जीवाणु जल का स्प्रे कर देना, फफूंद भक्षक का। हाँ। तो पत्ती में आप लोग इसलिए फेंकते हो कि पत्ती में फंगस होता है तो दिक्कत करता है, तो आप स्प्रे कर देना। वहीं आपने देखा पेड़ के नीचे अगर पत्ती पड़ी है तो वहाँ कचरा होता है क्या? नहीं, किसी भी पेड़ में देखो नहीं होता, पत्ती पड़ी है कचरा नहीं होगा, तो पत्ती को फेंकना नहीं है, कार्बन है। ठीक है, और कार्बन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी अभी हमने डेवलप किया है, वो डालना। एक और बता, तो जितने ये बूटे में फल गिरते हैं, हाँ, इनका क्या करें? ये क्या है, फल खराब फल तो उठा के जमीन में गड़ा दो। अच्छा, ये अभी ये पूरा फंगस पैदा होगा नहीं तो। और जो अच्छे फल हैं उनको ड्रम में डाल के, और अभी जो है एक हमने बैक्टीरिया बनाया, 3 दिन में पूरा फल को गला देगा, ज्यादा ज्यादा 9 दिन, 9 दिन में पूरी फल जो है ना पूरा पल्प बन जाएगा। उसको जो है छान करके ड्रिप से चला देना, क्योंकि देखो प्लांट को, जैसे हमको दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज। ऑक्सीजन चाहिए हर क्षण, ग्लूकोज चाहिए रोज। अगर आज आपको ग्लूकोज ना मिले तो कल से डल हो जाओगे आप। ऐसी प्लांट को भी चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप जब पत्ते अंदर डालोगे, मिट्टी चढ़ाओगे, मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और प्लांट में फल में होता है ग्लूकोज, इसको डिकम्पोज करके डोगे तो ग्लूकोज मिलेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो इसकी पत्ती इसको, इसका फल, फिर देखो कैसे प्लांट बढ़ता है, 10 बढ़ेगा। और जितना ग्रोथ, भाई आपका प्लांट अभी अगर 15 फुट का होगा तो प्रोडक्शन आएगा 7-8 क्विंटल 9 क्विंटल। ठीक है, बिल्कुल आएगा, 8-9 क्विंटल से नीचे नहीं आता अपनी टेक्निक में। हाँ, पर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप 10 साल का प्लांट बता रहे हो ना, कम से कम 8 क्विंटल आएगा, 15 साल के प्लांट में 10 क्विंटल आएगा। तो ग्रोथ होगा तो प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ ही नहीं है, प्लांट ही बूटा आपका 7-8 फुट का है तो 2-2.5 क्विंटल फल आएगा। ठीक है, तो 2-3 आ जाए तो बड़ा खुश है। कहानी ऐसा है, ये जितनी भी दिक्कत दिख रही है हमारी खेती में, चाहे मिट्टी में पौधे में, वो निगेटिव एनर्जी के कारण दिख रही है। किसके कारण? निगेटिव। अगर मिट्टी में दुर्गंध रहेगा तो सुगंध के जीवाणु पलेंगे क्या? नहीं, हमेशा दुर्गंध के जीवाणु ही बढ़ेंगे और सुगंध वाले डारमेंसी में चले जाएंगे। जैसे शहर का सड़ा नाला, उसमें कभी अच्छा जीव पलेगा क्या? नहीं। और उसमें जो मच्छर पैदा हुआ है वो मारने से ही मरेगा, प्रार्थना से मरेगा क्या, भगाने से मरेगा क्या? उसको तो भगवान कृष्ण ने कहा है उठाओ धनुष और मारो, क्योंकि वो निगेटिव है। तो जहां निगेटिव होंगे वहां कभी भी अच्छे जीव नहीं और खराब जीव ही आएंगे। जो आप ये कहानी बता रहे हो, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, मैं उसकी जड़ को ही खत्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। जैसे कच्चा गोबर जो जिसको रूढ़ी बोलते हो, सुगंध आता है कि दुर्गंध आता है, उसमें पलता है फंगस, जड़ खाने वाला वो गोबर निकालने वाला फंगस, वायरस, रश्चूसक कीट, वो व्हाइट ग्रब भी जो आप ककूना बता रहे हो ना, व्हाइट ग्रब वो भी उसमें होता है। हाँ कि ना, देखा है रूढ़ी में, तभी रूढ़ी ज्यादा डाली है वहाँ ज्यादा है। हाँ, वहाँ ज्यादा खराब, वहाँ ज्यादा खराब। तो जहाँ रूढ़ी ज्यादा डाली गई वहाँ पर ज्यादा खराबी है। तो
हमको सबसे पहले जहां हम गलत चीज डाल रहे हैं उसको ठीक करना। इतना ही नहीं, ये गोबर खेत में जाता है तो उसको खाने दीमक आता है, दीमक को खाने छिपकली आती है, छिपकली को खाने बिच्छू आता है, 10 फुट नीचे से उसको नाक को उसका पता लग जाता है छिपकली खाने के लिए आई है। वो एक छिपकली को मारता है, खाता है और 11 महीने छुप जाता है, बिल में चूहे पलते हैं, चूहों खाने सांप आता है। अगर गोबर गीला है तो उसको खाने केचू आएगा, वहाँ क्या बोलते हो केचुए को आप पंजाबी में, जोंक वो आएगा लाल वाला। और वो जो है चूंकि दुर्गंध से पैदा हुआ है इसलिए ये प्रिय भोजन है सुअर का, सुअर इसको जो एक भी खा लिया तो अगले बार कुनबा लेके आता है, क्योंकि हम सुगंध के जीव हैं तो हमको दही के बैक्टीरिया, ये पके फल के बैक्टीरिया अच्छे लगते हैं, इसमें भी पके फल में भी बैक्टीरिया है और 1 ml में 20 लाख से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बैक्टीरिया होगा हमको खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जैसे दही में जितने बैक्टीरिया हैं खाने में मजा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, वैसे इसमें भी। तो अभी क्या है, जीवाणु हमारे खेत में जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पौधे को भी मजा आएगा, अब नहीं होगा, सुगंध ही आएगा, मेरे हर फार्मूले से सुगंध आता है, इसमें आता है। तो जैव रसायन ये सब मेरी गाड़ी में रखा रहता है, तो जैव रसायन हमको भी, आप जो है ना हमारे भी कपड़े सूंघोगे तो इसमें भी जैव रसायन की खुशबू आएगी। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह आपने देखा जो बाग मर रहा था फंगस से, पाइटोपथोरा से, अगर एक बार सूखना शुरू हो गया किन्नू में तो पौधा फिर बचता नहीं, पूरा सूख ही जाता है। कोई केमिकल डालो चाहे कोई उपाय करो, पर TCBT से ना केवल बाग बचा अपितु इसमें इतने फल आ गए कि किसान अभी संतुष्ट है, नेक्स्ट ईयर यही बाग फलों से लद जाएगा। तो TCBT की यही विशेषता है कि हमने मिट्टी की ऊर्जा पॉजिटिव की, पंच महाभूतों के सभी के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किए और पंच महाभूतों को संतुलन किए। अगर ऐसा पूर्ण हो जाएगा तो अद्भुत फलत आएगी, पूरा जो है पेड़ फलों से लदा रहेगा अंदर भी बाहर भी। किन्नू का सुप्री सेटिया जी का बाग आपने देखा ही होगा जो फलों से लदा हुआ है, पूरा 130 एकड़ का बाग फलों से पूरा लदा हुआ है, देखिए वीडियो। ये पूरा TCBT का पैकेज है प्रैक्टिस जी, TCBT पूरा पूरा TCBT क्या बात है। जैविक किसान देश की शान। ये देखो भैया क्या फल लगे हैं, जबरदस्त, और क्या मतलब इसका रंग भी जबरदस्त है, खुशबू बहुत शानदार, शानदार खुशबू है। गुरु जी पौधों में देखो कलर चेंज नहीं हुआ। ये देखो ये पूरा, ये तो फलों से ही लद गया है, नीचे आ गया, ये देखो ये नहीं, ये देखो ये उठाते नहीं बनेगा, इतना फल कभी आपने इस बाग में कभी देखा था आज के पहले नहीं। कभी नहीं, अंदर इसमें भी घुस जाएंगे तो फल ही फल, और एक गजब है फल ही फल, क्या बात है। ये देखो अंदर अंदर पूरे फल ही फल, कहीं भी कोई भी टहनी नहीं, ये देखो ये प्रीत जी जी गुरु जी आपकी दया गुरु जी, वाह आपने रास्ता दिखाया इस तरह जाने का, वाह वाह। देखो TCBT का कमाल, फल ही फल ऊपर से नीचे तक, ये देखो ये फल ही फल, ऐसे फल आते हैं, क्या बात है।